You are watching Poonch Live. इसी के साथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर जनाब मंजीत सिंह जी, जो यहां 2003 में एक मिलिटेंट हमले में शहीद हो गए थे, तो उनके नाम से 18 साल पहले जनाब तारिक खान साहब ने शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की बुनियाद डाली थी, जिसके तहत इन्होंने सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी जो है वो इस क्लब ने प्रोड्यूस किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर एक महीने का समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप जो है वो मुनक्कद किया गया है। आज कमांडर साहब के बिहाफ पे आया हूँ। आज कमांडर साहब यहाँ आना चाहते थे, वो काफी लगाव रखते हैं पूंछ के यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ, और हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं कुछ, तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप पक्का जाना, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैं कुछ दो तीन आपको किस्से बताना चाहता हूँ फौज के। मैं इससे पहले नागालैंड में था, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ भी काफ़ी गांव है, जंगल है। हमारे कमांडर साहब थे, उन्होंने बोला कि हर गांव में दो फुटबॉल, दो वॉलीबॉल और एक वॉलीबॉल नेट दे दो। और शर्त क्या है, जिस दिन वो फुटबॉल कोई भी खराब होगा, 1-to-1 बेसिस पे उसको वापस नियाद मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से हम प्रमोट करते थे, तो वो बच्चे खेलते थे, फुटबॉल फटेगा, वॉलीबॉल फटेगा, तो उसकी हम रिप्लेसमेंट देते थे। और एक कमांडिंग ऑफिसर, जो काफ़ी सारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको बोला था आप खुद जाओ गांव में, खुद प्रेजेंट करो, लड़कों से बात करो। हम फौज में सुबह शाम खेलते हैं, सुबह अगर कोई पीटी कर रहा है उसमें भी खेल सकते हैं, शाम को खेलते हैं। तो खेल आपको फिजिकली स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ में काफ़ी क्वालिटीज आप में पैदा करता है, सेक्रीफाइस, टीम स्पिरिट, एंड्योरेंस, जो कि नॉर्मल घर में बैठ के अकेले में रह के आप इन चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते। और पुंछ जैसे बॉर्डर टाउन में आप प्रैक्टिस करते हो, इस लेवल पे आते हो, इस J&K स्टेट में सिलेक्ट होना एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ ही साथ आप J&K टीम से सिलेक्ट होकर आप नेशनल लेवल में जाते हो, तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो आपने अचीवमेंट हासिल किया है। सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब, जिसने एक महीने का समर कोचिंग कैंप लगाया है, और इस मौका पर एक टी शर्ट भी लॉन्च की जा रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लब की जानिब से खिलाड़ियों को दी जाएगी, और एक महीने तक इन बच्चों को नेशनल लेवल की गेम के लिए तैयार किया जाएगा की जानिब से। ये स्पोर्ट्समैन के लिए और इस क्लब के लिए एक तोहफा, कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जनाब राजेश बिष्ट VSMJ की तरफ से, जिसे आपको प्रदान किया कमांडिंग ऑफिसर 14 महार कर्नल MP सिंह साहब। कर्नल MP साहब को एक शाल जो है वो भेंट करके उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। एक मोमेंटो भी शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब लाए, और ये एक मोमेंटो पेश किया गया कर्नल MP सिंह साहब को, एक शाल के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। मेरा नाम पायल शर्मा। जैसे कि हर साल शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ में एक महीने का समर कोचिंग कैंप लगता है, और इस साल जो कि आज इसकी ओपनिंग थी, और यहाँ पे ब्रिगेडियर आए थे, सर आए थे, और हमें फ्री में एक यूनिफॉर्म भी मिली है, और भी बहुत कुछ हमें मिला है। और एक महीने का समर कोचिंग कैंप है, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। हाँ, हमें एक महीने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए इम्प्रूवमेंट्स भी आते हैं, नए नए स्किल्स मिलते हैं सीखने को, और भी बहुत कुछ होता है, इम्प्रूवमेंट आती है नेशनल लेवल के लिए, एक महीना पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा नाम याज अहमद बदनी। सर, जो यहाँ पे शहीद मंजीत सिंह क्लब 1 मंथ का वॉलीबॉल कोचिंग कैंप लगा रहा है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पिछले 2-3 साल से लगातार 1 मंथ का कोचिंग कैंप लग रहा है, और यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। टीम्स, जम्मू कश्मीर की टीम्स अब नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही हैं, और नेशनल मेडल्स भी आ रहे हैं अब, और टीम टॉप 8 में रेगुलर बेसिस पे अब आ रही है, हर टूर्नामेंट में टॉप 8 टॉप 10 में फिनिश कर रही है जम्मू कश्मीर की टीम, और ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। एक बहुत बैकवर्ड इलाका है वॉलीबॉल के रिलेटेड से। आज से 6-7 साल पहले क्लैन भाई निकले थे, उसके बाद पिछले साल 2 लड़के इंडिया वॉलीबॉल के लिए निकले हैं, और
बहुत फखर की बात है। यहाँ पे जैसे कोचिंग कैंप लगा है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, बहुत बॉर्डर एरिया से लड़के आ रहे हैं। जैसे कि सबको पता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बहुत ही रिमोट इलाका है, बॉर्डर इलाका है, शेलिंग वगैरह होती रहती है, और इस यहाँ जैसे एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के निकलते हैं वो अपने दम पे निकलते हैं। जी मैं मोहम्मद तारिक, चेयरमैन शहीद DYSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कोचिंग कैंप जो है लगा है, ये एक कोचिंग कैंप जो है हर साल समर कोचिंग कैंप के नाम से यहाँ पे लगता है। तो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का असल मकसद जो है कि इस यूथ को जो है किस तरीके से हम बुरी आदतों से भी बचाएँ, और ख़ास करके जो नेशनल में कम्पिटिशन होते हैं उसके लिए बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए। तो मेरा यही एक मिशन है कि हम बच्चों को यहाँ से तैयार करके जो है, जैसा कि जम्मू कश्मीर की टीम के लिए जब सिलेक्शन होती है उसका ट्रायल कम होता है, तो उसके लिए हम बच्चों को यहाँ से तैयार करके वहाँ भेज रहे हैं।